केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 15 से 28 जून 2021 तक आयोजित किया गया है, आयोजित हो रहा है। ये प्रतिदिन सुबह 7 से 8 आयोजित किया जाता है। आज हम जानने वाले हैं एक प्राणायाम के बारे में, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नाम भ्रामरी नाम मधुमक्खी पर रखा गया है, क्योंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ने की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि मधुमक्खी की ध्वनि हो। ये प्राणायाम व्यक्ति के मन को शांत करने में अति सक्षम है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आप क्रोध, चिंता और निराशा से अवश्य राहत पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, अपने हाथ की कोहनियाँ मोड़ें और कान के पास लाएं। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कान को बंद कर लें। अब दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को माथे पर रखें एवं मध्यमी, अनामिका और कनिष्का उंगली आँखों पर रखें। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान ध्यान रखें कि आप नाक से सांस लें, मुंह से सांस ना लें। एक लंबी सांस लें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। एक लंबी श्वास सांस अंदर लेने में करीब 3 से 5 सेकंड और ये भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करने में 15 से 20 सेकंड लगते हैं। करीब 3 मिनट में 5 से 7 बार ये भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है। आइए एक बार फिर ये प्राणायाम दोहराते हैं। अपने दोनों हाथ मोड़ें और अंगूठों से कानों को बंद कर लें। अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखें और मध्यमी, अनामिका और कनिष्का उंगली को आँखों पर रखें। एक लंबी सांस लें और भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करें। भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। तनाव कम करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और नियमित अभ्यास से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। इस प्राणायाम से अनिद्रा, क्रोध, चिंता दूर हो जाती है। वहीं सर्दी के मौसम में नाक बंद होने पर सर में दर्द होना, आधे सर में बहुत तेज दर्द होना, नाक से पानी गिरना, इन सभी रोगों से छुटकारा पाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेहतर प्राणायाम है। इसके नियमित अभ्यास से हम इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, जिससे धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी लाभदायक होता है। थायराइड समस्या से पीड़ित व्यक्ति को लाभ मिलता है। माइग्रेन से पीड़ितों के लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम की सावधानियाँ। कानों में संक्रमण होने के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को ये कुंभक के बिना नहीं करना चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।